बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो उन गैर मुल्कियों के लिए है जो छुट्टी यानी एग्जिट रीएंट्री अपने वतन गए हैं और उनके अकामा 1200 रियाल में तजदीद हो जाएंगे, उसके मतलिक है। तफसीलात को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने बसमा अरब उर्दू न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नाज़रीन, सऊदी अरब में एक नया प्रोग्राम शुरू हो चुका है कि कफ़ील अफशर अकाउंट के ज़रिए अपने वर्कर्स का अकामा एक्सटेंड करवा सकते हैं और बहुत से कम सऊदी कफ़ील अपने वर्कर्स के साथ रबता करते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या दीगर ममालिक छुट्टी गए हैं और अपने वर्कर्स को बोलते हैं कि मुझे 1200 रियाल भेजो, मैं आपका अकामा तजदीद करवा दूँगा। नाज़रीन, इसके मतलब हमसे बहुत से पाकिस्तानी भाई ने पूछा है कि मेरा वीज़ा आमिल का है, मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरा इकामा ख़त्म होने में कुछ दिन बाकी हैं तो मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने कफ़ील से रबता किया तो मेरे कफ़ील ने मुझे कहा है कि मुझे 1200 रियाल भेजो, मैं आपका इकामा तजदीद करवा दूँगा। नाज़रीन, यहाँ मैं एक बात की वजाहत कर दूँगी कि छुट्टी गए गैर मुल्की सऊदिया हुकूमत की वजह से, आयद पाबंदियों की वजह से ममलिकत वापस नहीं आ सके, तो उन तमाम गैर मुल्कियों के अगर अकामा और एग्जिट रीएंट्री वीज़ा एक्सपायर हो गए हैं या हो रहे हैं तो सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम सफरी पाबंदी की वजह से तमाम गैर मुल्कियों के अकामे और एग्जिट रीएंट्री वीज़ा में तौसी करते रहेंगे। मैंने बहुत सी वीडियो भी बनाई हैं कि शाही फरमान के मुताबिक तमाम गैर मुल्कियों के अकामे और एग्जिट रीएंट्री में एक्सटेंशन मिलती रहेगी। अभी 28 अगस्त को भी बहुत से छुट्टी गए गैर मुल्कियों के एग्जिट रीएंट्री एक्सटेंड हुए हैं और हो रहे हैं 1 माह के लिए। आप स्क्रीन पर भी मेरी वीडियो देख सकते हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे 1200 रियाल की। आपसे कफ़ील 1200 रियाल इसलिए मांगते हैं कि आप उनको बार बार परेशान कर रहे हैं कि मेरा अकामा और एग्जिट रीएंट्री वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं, इसलिए वो आपसे 1200 रियाल मांग रहा है। तो नाज़रीन, आपका कफ़ील भी अपने अफशर अकाउंट से आपका अकामा एक्सटेंड करवा सकता है। नाज़रीन, ख़ादिमुल हरमैन शरीफ़ैन ने ऐलान किया है सऊदी जवाज़ात से खुदकार तरीके से अकामे और एग्जिट रीएंट्री वीज़ा एक्सटेंड होगा, मगर कफ़ील भी सिस्टम से करवा सकता है। लेकिन जब आपके अकामे और एग्जिट रीएंट्री की एक्सटेंशन फ्री में मिल रही है तो आप क्यों 1200 रियाल देकर अपने अकामे तजदीद करवा रहे हैं? नाज़रीन, अगर आपके अकामे और एग्जिट रीएंट्री वीज़ा एक्सटेंड हो भी जाते हैं तो फ़्लाइट ऑपरेशन तो अभी बहाल नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको 1200 रियाल लगाकर अकामे और एग्जिट रीएंट्री वीज़ा एक्सटेंड करवाने का। इसलिए आप परेशान नहीं हों, आपके अकामे और एग्जिट रीएंट्री वीज़ा में सऊदी जवाज़ात खुदकार तरीके से एक्सटेंशन देती रहेगी